जैसा कि मैंने पृष्ठभूमि में कहा कि विज्ञान के इस युग में मैं आपके दरबार में अभी 1.5 घंटे बैठा रहा, मैंने देखा बहुत नजदीक से उसको ऑब्जर्व कर रहा था। आप संतान उत्पत्ति के लिए भी बहुत दे रहे हैं, आप कैंसर के उपचार के लिए भी बहुत दे रहे हैं, जिनकी प्रेत बाधाएं हैं उनके लिए भी उपचार के लिए आप बहुत दे रहे हैं। कठिन होता है एक विज्ञान के छात्र को ये समझना कि ये कैसे हो रहा है। जी, उस विभूति के पीछे एक मंत्र दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को संतान का पर्चा बनता है कि आप संतान मनोरथ लेकर के आए, गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करें, इस पाठ से कृपा होगी, ये विभूति है, आशीर्वाद है। तो जो उसमें मंत्र दिया जाता है पर्चे पर, उस मंत्र की महत्वता है और स्थान के धाम की महत्वता, मंत्र के प्रभाव के कारण वो बैक्टीरिया जिसकी कमी हमारी बॉडी में है, वो मंत्र, उसका तत्व, उसका बल आदि काल से, सनातन काल से हमारे ऋषि परंपरा में, महापुरुषों की परंपरा में, वेदों की परंपरा में उस मंत्र बल से उस चीज को प्रकट किया जाता है बॉडी में, ऐसी मान्यता है। इसे साइंस भी मानता है, इसे विज्ञान भी मानते हैं और इसका अनुभव भी किया। कई लेख हमारे पास अभी रखे हुए हैं जो पेपर में छपे हुए हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से कैंसर जैसी बीमारी ठीक हुई, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से कैंसर जैसी बीमारी ठीक हुई, ब्रेन हेमरेज ठीक हुआ। एक सरदार जी का जालंधर का छपा हुआ एक जो है साक्षात्कार था, तो उसी आधार पर वेदों की जो प्रति आधार है, वेदों का जो हमारे महापुरुषों ने हमें जो आदेश दिया, महापुरुषों ने जो प्रेरणा दी, उनकी कृपा से, चरण रस से वो विभूति जो है वैसे तत्व बॉडी में एक्टिवेट कर देती है जिससे उसे सफलता।